ओके जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर वेल एट योर प्लेस विद योर फैमिली। सब्जेक्ट इज फिजिकल एजुकेशन, क्लास 12th, यूनिट फर्स्ट है। उससे हमारा एक टॉपिक छूट गया था, सो द नेम ऑफ द टॉपिक इज वेरियस कमिटीज एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। उसको आज कवर करते हैं। देखिए अपने टॉपिक का नाम है वेरियस कमिटीज एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, है ना। कई बार क्या होता है कि बहुत बड़ा इवेंट हमें ऑर्गेनाइज करना होता है। लेट अस टेक एग्जांपल कि हमें स्कूल लेवल पे क्लस्टर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है। सो क्लस्टर में समटाइम्स मोर देन 80 और 90 टीम कम्स फ्रॉम द डिफरेंट प्लेसेस। सो इट्स अ लाइक बिग फेस्टिवल ऑफ स्पोर्ट्स। सो इट्स रियली यू नो वेरी हार्ड और वी हैव टू मेक ए प्रॉपर प्लानिंग जस्ट टू मेक द सक्सेस ऑफ द इवेंट, just to achieve the highest aim of the event or whatever the cluster, we have to be proper plan, and planning should be effectively and like it consists of all the factors ki hamari planning effectively ho, efficiently ho, aur planning proper ho, usme sari cheezon ko include kiya jaye, jo bhi cheeze hain, whether it is accommodation related, food related, fixture related, safety related, transport related, whatever the officials related, so there are lot of things to be in the planning. So जब planning की जाती है तो planning basically हम करते ही इसलिए है, planning is a like a thinking process that we are thinking in advance just to make the success of any event, है ना। कोई चीज़ को success बनाने के लिए हम planning करते हैं। सो उसी प्लानिंग का एक हिस्सा है कि वेरियस कमिटीज़ टू बी फॉर्म्ड, बहुत सारी कमिटी बनाई जाएंगी, बिकॉज इवेंट बहुत बड़ा है, 90 से ज़्यादा टीमें आने वाली हैं, उनको खिलाना है, नॉकआउट भी नहीं है, व्हाटएवर बेसिकली वो व्हाटएवर द फिक्सर्स, वेदर इट इज़ नॉकआउट लीग, इट्स डिपेंड अपॉन द सिचुएशंस और डिपेंड अपॉन द गेम्स, सो देर आर लॉट ऑफ मैचेस टू बी हैड। सो जस्ट टू मेक द सक्सेस ऑफ दैट इवेंट there are lot of committees to be formed. So aaj hum discuss karenge what is the role and responsibility of all those committees ke naam kya hain, kaun si committee ka kya kaam hai. So let's pehle thoda sa committees ko dekh lete hain. Dekhiye sabse pehle chairperson, ye bhi committee hai, then uske baad chief technical advisor committee hogi, then uske baad organizing secretary committee hogi, then ground arrangement committee hogi, then technical committee, डिसिप्लिन कमिटी, रिसेप्शन कमिटी, फाइनेंस कमिटी, बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमिटी, सर्मोनियल कमिटी, प्रेस एंड मीडिया कमिटी, सर्टिफिकेट राइटिंग कमिटी, मेडिकल कमिटी, ट्रांसपोर्टेशन कमिटी, अनाउंसमेंट कमिटी एंड रिकॉर्डर्स एंड बुलेटिन बोर्ड कमिटी। सो यू कैन सी देयर आर लॉट ऑफ कमिटीज टू बी फॉर्म्ड एंड डेफिनेटली ईच कमिटी हैज इट्स ओन रोल। अब इसके इनके कामों को भी तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है कि एक तो है प्री वर्क, भाई जो टूर्नामेंट होने से पहले प्री वर्क है, व्हाट इज टू बी डन बिफोर, कि भाई टीमें तो आएंगी तब आएंगी, ठीक है जिस दिन टूर्नामेंट शुरू होगा तब होगा, लेकिन व्हाट टू बी डन बिफोर 15 दिन 20 दिन या महीने भर पहले से व्हाट इज प्रिपरेशन टू बी डन, उसी को बोलते हैं प्री वर्क। एक होता है ड्यूरिंग वर्क, ड्यूरिंग वर्क की जब इवेंट चल रहे हैं, जब स्पोर्ट्स खेला जा रहा है, गेम खेला जा रहा है, तो उसमें इनका जो क्या है, एक है पोस्ट वर्क, जब कंप्लीट हो गया स्पोर्ट्स या टूर्नामेंट ख़त्म हो गया तो व्हाट इज़ देयर पोस्ट वर्क, उसके बाद भी काफ़ी कमिटीज हैं जिनका पोस्ट वर्क काफ़ी होता है। सो विल डिस्कस वन बाय वन, लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट कमिटी है चेयरपर्सन। चेयरपर्सन जनरली इसमें जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जहाँ पे भी टूर्नामेंट होता है, लेट अस से कि हमारी स्कूल में अगर एक टूर्नामेंट होना है, कोई क्लस्टर होना है, तो यहाँ के जो डायरेक्टर हैं ही विल बी लाइक इन दिस कमिटी, वो ही चेयरपर्सन होंगे। सो अब चेयरपर्सन की अगर हम बात करें तो उसका प्री रोल क्या हो गया, प्री टूर्नामेंट रोल क्या हो गया, ही विल लाइक बी लाइक द हेड ऑफ ऑल द कमिटीज वी कैन से, ही विल ऑल्सो अरेंज द फाइनेंस एंड बजट, उसको मालूम होना चाहिए कि कितना बजट और फाइनेंस लगेगा, ही हैज़ टू अरेंज दैट, ठीक है, ही हैज़ टू बी द पार्ट ऑफ द प्लानिंग, ठीक है। अब उसका ड्यूरिंग काम क्या होगा कि जब टूर्नामेंट ड्यूरिंग मीन्स जब टूर्नामेंट चल रहे होंगे, ही लाइक सुपरवाइज ऑल द कमिटीज, लुक आफ्टर द थिंग्स कि भाई थिंग्स आर गोइंग स्मूथली और नॉट। पोस्ट वर्कआउट क्या होगा कि जब टूर्नामेंट खत्म हो गए तो डेफिनेटली सुपरवाइज कि भाई ठीक है, जिनको सर्टिफिकेट्स मिलने थे वो मिल गए, जिनको रिवार्ड मिलना था या प्राइजेस मिलने थे वो मिल गए या नहीं,
एंड बाकी कमिटीज ने अपना काम ठीक कर रही है कि नहीं, फाइनेंस कितना लगा, वो सारा कैलकुलेशन विल बी डन बाय हिम. सो दिस इज द रोल ऑफ द चेयरपर्सन. ओके, नेक्स्ट है चीफ टेक्निकल एडवाइजर. चीफ जो टेक्निकल एडवाइजर है नॉर्मली वो होता है जिसको उस गेम से रिलेटेड काफ़ी नॉलेज होती है या उसको काफ़ी नॉलेज होती है. फॉर एग्जांपल अगर हम वॉलीबॉल का क्लस्टर यहाँ पे खेल रहे हैं तो जो हमारा जो CBSE है वो कोई ना कोई चीफ टेक्निकल एडवाइजर भेजेगा, तो डेफिनेटली ऑफ द वॉलीबॉल गेम उनको काफ़ी नॉलेज होगी फ्रॉम ऑल द एंगल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर गेम्स. उसी को हम चीफ टेक्निकल एडवाइज़र कहते हैं. तो चीफ टेक्निकल एडवाइज़र का जो प्री वर्क है वो ये है कि टेक्निकल इश्यूज़ को देखना है कि भाई ग्राउंड में जो मार्किंग है वो प्रॉपर है, इक्विपमेंट है वो ठीक है या नहीं, लाइक वेदर द ग्राउंड इज एबल टू प्ले एंड ऑल दैट. ड्यूरिंग भी वही देखना है कि कई बार कैसा होता है कि खेल में कोई टेक्निकल इश्यू हो जाते हैं तो उनको शॉर्ट आउट कराना, कई बार प्रोटेस्ट विरोध डाल देते हैं टीम्स तो उसको उस सिचुएशन या उन चीज़ों को सॉल्व कराना. तो जितना भी टेक्निकल इश्यू है एंड एक टेक्निकल कमिटी भी आई गया कि जिसके हम बात करेंगे उसको भी कहीं ना कहीं हेड भी कैन से कि यही होते हैं जो टेक्निकल एडवाइज़र होते हैं. सो जितनी भी टेक्निकल रिलेटेड चीज़ें हैं इक्विपमेंट एंड व्हाटएवर द मार्किंग एंड ऑल दैट, ये उनका काम है. इनका जो पोस्ट काम है ऑन कम्प्लीशन ऑफ द टूर्नामेंट, जो चीफ टेक्निकल एडवाइज़र है ये कि एक रिपोर्ट भेजते हैं जो कंसर्निंग फेडरेशन है उनको रिपोर्ट भेजी जाएगी कि यस गेम्स है या टूर्नामेंट्स है प्रॉपरली स्मूथ तरीके से हो गया एंड जो भी उसका एम था दैट हैव बीन अचीव्ड. नेक्स्ट कम्स द ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी. भाई ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी का बहुत बड़ा रोल होता है. ऑर्गेनाइजिंग जो सेक्रेटरी होता है नॉर्मली इंस्टीट्यूट से होता है, जहाँ पे टूर्नामेंट हो रहे हैं वहाँ का कोई स्पोर्ट्स रिलेटेड फिजिकल ट्रेनिंग टीचर वट एवर द कोच जो भी वहाँ पे लाइक सीनियर है फिजिकल डिपार्टमेंट से, सो ही विल बी द लाइक द ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी एंड ही इज हैविंग अ बिग रोल बिकॉज ही हैज़ टू कोऑर्डिनेट विद ऑल द कमिटीज, ही हैज़ टू बी द पार्ट ऑफ द प्लानिंग. प्लानिंग में कमेटी भी बनाना बल्कि उसी का काम है. एंड ही हैज़ टू अरेंज ऑल द रिसोर्सेज, ठीक है, ही हैज़ टू गाइड ऑल द अदर कमिटीज व्हाट इज एक्चुअली टू बी डन. सो ही इज हैविंग लाइक लॉट ऑफ थिंग्स. ही हैज़ टू इन्फॉर्म लाइक ऑल द स्कूल्स वेयर द टीम्स आर कमिंग. ही हैज़ टू ऑल्सो लाइक इन्फॉर्म टू द कंसर्निंग अथॉरिटीज एंड ऑल दैट. सो उसका जो प्री वर्क है ड्यूरिंग वर्क भी बहुत है कि जस्ट टू मेक ए गुड कोऑर्डिनेशन बिटवीन ऑल द कमिटीज. ये जब गेम चल रहा है टूर्नामेंट चल रहा है जो पोस्ट वर्क है उसमें भी इसका काफ़ी रोल है कि जब काम ख़त्म हो गया तो ही हैज़ टू लाइक समराइज द थिंग्स फ्रॉम एवरी एंगल. जो जितनी भी चीज़ें हैं जितनी भी कमिटीज हैं उनको सब एक तरह से समराइज करके लाइक कंक्लूडिंग काइंड ऑफ रिपोर्ट इसको भेजना है. जितने भी इक्विपमेंट्स अरेंज किए हैं उनको बैक टू जहाँ से लिए हैं वो, या जो टेबल ऑफिशियल्स जो कई सारी चीज़ें होती हैं फॉर्म्स होते हैं वो सब भी अरेंज करना उनको ऑन कम्प्लीशन ऑफ द टूर्नामेंट दैट टू बी रिटर्न एट द सेम प्लेस. ही इज हैविंग द लाइक बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी दिस मैन. सो वी कैन से दिस इज नोन एज द ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी. नेक्स्ट कम्स द ग्राउंड अरेंजमेंट कमेटी. सो ग्राउंड अरेंजमेंट कमेटी भी पर्टिकुलरली उसका जो टास्क होगा कि वो ग्राउंड रिलेटेड चीज़ों को देखेगी. भाई वॉलीबॉल का अगर मैच होने जा रहे हैं, वॉलीबॉल टूर्नामेंट हो रहा है क्लस्टर का, तो अब 80 से 90 या 100 टीमें आ रही हैं तो ग्राउंड शुड बी प्रॉपरली लाइक सब कुछ मार्किंग बढ़िया हो. तो लाइक देखिए टेक्निकल जो एडवाइज़र था वो तो जस्ट ही विल सी कि मार्किंग ठीक है वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग, लेकिन ये जो कमेटी एक्चुअली ही इज़ गोइंग टू प्रैक्टिकली दे विल मतलब डायरेक्टली डू द थिंग्स. ये इनको मार्किंग करनी है, इनको ग्राउंड प्रिपेयर कराना है, इनको नेट टाई अप करना है, दो ग्राउंड तीन ग्राउंड या चार ग्राउंड जो भी प्रिपेयर करा रहे हैं, हाइट ऑफ द नेट, विड्थ ऑफ द नेट, हाइट ऑफ द पोल, मार्किंग ऑफ द ग्राउंड, सिटिंग अरेंजमेंट एरिया एंड स्पेक्टेटर्स एरिया फॉर द स्पेक्टेटर्स एंड ऑल दैट. सो लाइक एवरीथिंग टू बी प्रिपेयर्ड बाय द ग्राउंड अरेंजमेंट कमिटी. सो वेदर इट इज़ लाइक काइंड ऑफ टेबल ऑफिशियल का जो टेबल होता है वो दैट टू बी वेयर, जो एक सेफ जोन होता है दैट टू बी लाइक प्रिपेयर्ड, एवरीथिंग टू बी प्रिपेयर्ड वट एवर द रिलेटेड टू द ग्राउंड्स बाय दिस कमिटी. सो दे आर ऑल्सो हैविंग अ बिग जॉब, ठीक है. सो इनका जो काम है वेदर इट इज़ प्री और ड्यूरिंग और पोस्ट, इट्स रिलेटेड टू द ग्राउंड. जब
ऑन कंप्लीशन ऑफ द टास्क पूरा हो जाएगा या टूर्नामेंट ख़त्म हो जाएगा तो भी वही जितने भी इक्विपमेंट्स हैं दे हैव टू बी लाइक उनको वापस से अपनी प्लेस पे जहाँ से बोरो किए हैं या बाई किए हैं वेयर एवर दे हैव टू बी लाइक रीअरेंज्ड एट द राइट प्लेस. सो दिस कमिटी इज ऑल्सो हैविंग बिग रोल. ओके, नेक्स्ट कम्स द टेक्निकल कमेटी. देखिए टेक्निकल कमेटी वो कमेटी होती जो एक्चुअली गेम को खिलाती है, व्हाट वी कैन से गेम को एक्चुअली गेम खिलाती, जितने भी ऑफिस रेफरीज होंगे ऑफिशियल्स होंगे. सो टेक्निकल कमेटी उनको हैंडल करेगी, जो भी स्कोर शीट्स या जितनी भी टेबल ऑफिशियल इक्विपमेंट चाहिए उनको टेक्निकल कमेटी हैंडल करेगी. किस गेम में किस रेफरी की ड्यूटी लगानी है दैट विल बी हैंडल्ड बाय द टेक्निकल कमेटी. ठीक है, जो भी टेक्निकल इश्यूज हैं उनको भी शॉर्ट आउट करेगी कि भाई देखिए लॉट ऑफ टेक्निकल इश्यूज टू बी देयर. कई बार प्लेयर बोलते हैं कि भाई ये बॉल अच्छी है ये ख़राब है, इसमें हवा कम है इसमें ज़्यादा है. कई बार और कंट्रोवर्सी हो जाती है किसी के भाई नहीं बॉल ये बॉल फाउल था आपने इसको राइट दे दिया, दिस वॉज आउट ऑफ प्ले, दिस थिंग दैट थिंग. सो दिस इज ऑल टू बी सॉर्टेड आउट बाय द टेक्निकल कमेटी. हमने इससे पहले बात की थी जो चीफ टेक्निकल एडवाइजर हैं कहीं ना कहीं इन अदर वर्ड वी कैन से कि वो इस कमेटी के हेड होते हैं. सो जो टेक्निकल कमेटी है यही एक्चुअली गेम्स को खिलाती है, जितने भी रेफरीज और ऑफिशियल्स हैं वो इसके पार्ट होते हैं. ओके, नेक्स्ट कम्स द डिसिप्लिन कमेटी. सो डिसिप्लिन कमेटी का काम क्या है कि प्री वर्क ये है कि जितने भी डेंजरस और क्रूशियल पॉइंट्स हैं उनको चेक करना एंड एक्ट अकॉर्डिंगली कि यस द कमेटी हैज़ टू लुक आफ्टर कि दिस इज द डेंजरस और क्रूशियल पॉइंट्स वेयर समथिंग कैन गो रॉन्ग. सो द कमेटी हैज़ टू एक्ट अकॉर्डिंगली ड्यूरिंग टूर्नामेंट. द रोल ऑफ द कमेटी इज दिस कि जस्ट टू कंट्रोल ओवर द वायलेंस, है ना, कि वायलेंस ना हो एंड लाइक कंट्रोल इन ऑल द इश्यूज इट वेदर इट इज प्लेयर रिलेटेड ऑफिशियल रिलेटेड और स्पेशली स्पेक्टेटर्स रिलेटेड कि भी कोई भी वायलेंस ना हो कोई भी अननेसेसरी क्राउड ना हो. सो जस्ट मेक कंट्रोल ऑन ओवरऑल डिसिप्लिन रिलेटेड इश्यूज बिकॉज डिसिप्लिन का बहुत बड़ा रोल है. समथिंग गोज रॉन्ग देन द होल टूर्नामेंट विल बी लाइक स्पॉइल्ड. वंस द टूर्नामेंट इज ओवर दैट इज नोन एज द पोस्ट वर्क. द पोस्ट वर्क ऑफ दिस डिसिप्लिन कमिटी टू जस्ट टू प्रोवाइड अ सेफ एग्जिट टू द प्लेयर्स एज वेल एज टू द स्पेक्टेटर्स की भाई ठीक ठाक पीसफुली विदाउट इंजरी सेफली दे कैन लाइक लीव द कैंपस एंड दे कैन गो बैक टू देयर डेस्टिनेशन. सो दिस इज द जॉब ऑफ द डिसिप्लिन कमिटी. नेक्स्ट इज रिसेप्शन कमिटी. देखिए रिसेप्शन कमेटी इज द कमेटी जिसको सबसे पहले बाहर की जो टीम आती है वो मिलती है, इसलिए इसका नाम है रिसेप्शन कमेटी. कि जैसे ही उस कैंपस में जहाँ पे टूर्नामेंट हो रहा है कोई भी टीम बाहर से आएगी अपने कोच के साथ तो सबसे पहले रिसेप्शन कमेटी को मिलेगी. देन रिसेप्शन कमेटी विल गाइड एवरीथिंग कि दिस इज़ योर लॉजिंग एंड बोर्डिंग प्लेस, यहाँ पे आपको ये आपका इतना नंबर कमरा है जो आपका लॉजिंग एंड वट एवर द बोर्डिंग प्लेस है, यहाँ पे आपको फूड लेना है, दिस इज़ द टाइमिंग ऑफ द फूड, यू विल गेट द कूपन्स फॉर द फूड देयर वहाँ पे मिलेंगे, यू विल गेट द क्लोथ फ्रॉम देयर वहाँ पे आपको क्लोथ्स मिलेंगे एंड फिक्चर्स कब होने कहाँ होने एंड जो बेसिकली सर्मोनियल जो थिंग्स विल स्टार्ट वो कब होनी है, उद्घाटन जिसको हम हिंदी में कहते हैं. तो ये जो रिसेप्शन कमेटी है, रिसेप्शन कमेटी साथ ही साथ ये भी चेक करती है कि जो प्लेयर्स एथलीट्स आ रहे हैं जो उन्होंने एज पर देयर डॉक्यूमेंटेशन उन्होंने अपने नाम भेजे कि उनके नाम्स और एज एंड ऑल दैट दैट मीन्स द रिसेप्शन कमेटी विल ऑल्सो चेक देयर आइडेंटिटी कि वेदर दे आर लाइक एज पर द लिस्ट. या कई बार भाई टीम जीतने के लिए कई बार आउट ऑफ स्कूल्स प्लेयर लेके आ जाते हैं या उनकी कई बार प्लेयर्स की एज ज़्यादा हो जाती है. सो रिसेप्शन कमेटी लाइक चेक एवरीथिंग कि जो प्लेयर्स हैं एज पर द लिस्ट हैं एंड आइडेंटिटी ठीक है ये सब एंड द प्रॉपर गाइडेंस इज गिवन बाय द रिसेप्शन कमेटी. सो दिस इज द रोल ऑफ द रिसेप्शन कमेटी. ओके, नेक्स्ट कम द फाइनेंस कमेटी. देखिए फाइनेंस कमेटी का जो प्री वर्क है वो ये है कि जस्ट टू
get the approximate idea about the expenses under the various headings. कितना एक्सपेंसेस होगा अंडर द वेरियस हेडिंग्स, भाई इतनी सारी कमेटी है यहाँ कितना होगा, उस कमेटी के कितना होगा. तो जस्ट नो द लाइक अप्रोक्सीमेट आइडिया अबाउट द एक्सपेंसेस सो दैट द कमेटी कैन गेट द अप्रूवल फ्रॉम द हायर अथॉरिटीज टू रेज द फंड्स. ड्यूरिंग टूर्नामेंट कमेटी का काम यह है कि जस्ट टू प्रोवाइड द फाइनेंस टू द वेरियस कमिटीज, वेरियस हेडिंग्स एंड ऑल्सो टू कलेक्ट द फाइनेंस लाइक मील्स का जो पैसा है, अकोमोडेशन का पैसा है विच हैव टेकन फ्रॉम द प्लेयर्स, सो उसको भी कलेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फाइनेंस कमेटी की है. पोस्ट वर्क ये है कि टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट लाइक एक्सपेंसेस दैट लाइक हैपन ड्यूरिंग द टूर्नामेंट्स, सो अ फाइनल रिपोर्ट इज टू बी मेड टू द कंसर्निंग अथॉरिटीज. सो दिस इज द लाइक मनी रिलेटेड जितने मैटर्स हैं, फाइनेंस रिलेटेड जितने इश्यूज हैं उनको देखना है और पूरा एक समराइज करना टूर्नामेंट को फाइनेंस साइड से, यही रोल है फाइनेंस कमेटी का. ओके, नेक्स्ट इज बोर्डिंग एंड लॉजिंग. जो पार्टी कमिटीज होती हैं, देखिए बोर्डिंग और लॉजिंग कमिटीज हैं, इनका सीधा सा मतलब होता है कि जो प्लेयर्स आ रहे हैं उनको अकोमोडेशन प्रोवाइड करें और ये उनको फूड प्रोवाइड करें. सो ये अलग चीज़ है कि वट एवर द फीस दे आर, वट एवर द मनी दे आर टेकिंग दे आर, दैट इज देयर रोल की हाउ मच मनी दे आर डिसाइडिंग फॉर द अकोमोडेशन, हाउ मच मनी दे आर डिसाइडिंग फॉर द फूड. बट दे हैव टू लाइक मैनेज, दे हैव टू just communicate with the teams ki where they want to stay. Sometimes team like they doesn't feel good to stay in the campus, they think they sometimes have their own plan, you know, we will stay in some hotel, that is separate issue. But otherwise the boarding and lodging jo committees hai, that has to be take care of all the boardings and lodgings hai na, jo food related aur jo accommodation related jo issues hai unko sort out karegi. तो ये डिस्ट्रीब्यूट करेगी जितना भी क्लोथिंग है, अगर गेम विंटर में हो रहा है तो द कमेटी हैज़ टू प्रोवाइड लॉट ऑफ वार्म क्लोथ्स जिनको हम कम ब्लैंकेट एंड ऑल कहते हैं. एंड ऑन कंप्लीशन ऑफ द टूर्नामेंट दैट कमेटी हैज़ टू टेक देम ऑल द क्लोथिंग वट एवर दे हैव इशूड एंड देन दे हैव टू गिव देम फॉर द वॉशिंग एंड ऑल दैट. सो काफ़ी इनका भी काम होता है कि भाई कैलकुलेशन करना, चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करना, टूर्नामेंट के बाद उनको वापस लेना, उसके बाद जहाँ से उन्होंने लिया या वेर एवर दे हैव मैनेज्ड दैट थिंग हैज़ टू बी गो एट द राइट प्लेस. सो काफ़ी सारा काम है बोर्डिंग एंड लॉजिंग इस थिंग कमेटी का. साथ ही साथ फूड भी की भाई वट एवर द, बिकॉज समटाइम्स ऐसा होता है कि आपने जो फूड जितना पैसा लिया वो क्वालिटी अगर आप फूड की नहीं दे रहे हैं, या फूड इज अनहाइजीनिकली या ठीक नहीं है या हेल्थी नहीं है, प्लेयर्स को प्रॉब्लम हो रही है, तो देन दिस कमेटी इज ओनली द कमेटी विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट इशू. सो फूड पे भी इनको नज़र रखनी होगी कि फूड ठीक हो, बिकॉज प्लेयर्स हैज़ टू प्ले द गेम टूर्नामेंट, उनको गेम खेलना है. तो इफ़ दे आर नॉट ईटिंग वेल, कुछ गलत खा लिया तो रादर टू प्ले दे विल बी सिक. सो द कमेटी हैज़ टू कीप अ आई ऑन दिस इश्यू ऑल्सो. ठीक है, ओके, लेट्स टॉक अबाउट द सेरेमोनियल कमेटी. देखिए सेरेमोनियल कमेटी का क्या रोल है, कर है कि जस्ट टू कंट्रोल ओवर द ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ द गेम. वी ऑल नो की ओपनिंग सेरेमनी वो होती है कि टूर्नामेंट शुरू करने से पहले जो एक सेरेमनी होती है उसको कहा जाता है ओपनिंग सेरेमनी. क्लोजिंग सेरेमनी वो होती है ऑन द कम्प्लीशन ऑफ द टूर्नामेंट होती है. सो ओपनिंग सेरेमनी में भी सिटिंग अरेंजमेंट है, देन VVIPs हैं, गेस्ट हैं, चीफ गेस्ट हैं, इन सब का वेलकम करना, अपना स्पीच प्रिपेयर करना, सिटिंग अरेंजमेंट करना, स्पेशली जो अरेना है उसका लुक आफ्टर करना, साथ ही साथ जो पंडाल है या स्टेज है उसको डेकोरेट करना, ये सारा का सारा काम किसका है, सेरेमोनियल कमेटी का है. और ड्यूरिंग टूर्नामेंट भी इसके काम है सेरेमोनियल कमेटी के, जितने भी ऑफिशियल्स हैं या गेस्ट हैं, कई बार कुछ गेस्ट बीच में आते हैं इन बिटवीन द टूर्नामेंट्स, उनका वेलकम करना, उनको सिटिंग अरेंजमेंट प्रोवाइड करना. पोस्ट वर्क ये है कि ऑन द कम्प्लीशन ऑफ द टूर्नामेंट द कमिटी हैज़ टू रिटर्न ऑल द इक्विपमेंट्स. सो दिस कमिटी इज ऑल्सो लाइक प्लेइंग वेरी नाइस रोल इन द टूर्नामेंट्स की, बिकॉज ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेरेमनी का बहुत बड़ा रोल है. ओपनिंग सेरेमनी से ही हमें आइडिया लग जाता है कि जो टूर्नामेंट है उसका यहाँ पे लेवल क्या होगा,
है ना, कि क्या अरेंजमेंट है। सो ओपनिंग सेरेमनी इज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी बड़े टूर्नामेंट का, साथ ही साथ क्लोजिंग सेरेमनी भी। सो ये सारा का सारा जो कंट्रोल है ये सेरेमोनियल कमेटी के हाथों में रहता है। ओके, जो नेक्स्ट है वो है प्रेस एंड मीडिया कमेटी। सो प्रेस एंड मीडिया का जो प्री वर्क है वो तो ये है कि टू इन्फॉर्म द प्रेस एंड मीडिया अबाउट द टूर्नामेंट, कि सो डेट पे सो प्लेस पे टूर्नामेंट हो रहा है, दिस इज़ द नेम ऑफ द टूर्नामेंट, इतने इतनी टीमें इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो दे हैव टू इन्फॉर्म द प्रेस एंड मीडिया वेल बिफोर टू स्टार्ट। ड्यूरिंग जब गेम टूर्नामेंट चल रहा है तो तब इनका काम होता है इस कमेटी का कि भाई जस्ट टू मेक द नोट एवरी डे विच इज़ टू बी लाइक गिवन टू द प्रेस एंड मीडिया, कि वो लोग उसको छापे, तो नोट प्रिपेयर करना। और जब कंप्लीट हो जाएगा टूर्नामेंट तो पोस्ट वर्क भी इसका होता है कि जो हाइलाइट्स हैं या मेन फीचर्स हैं जो टूर्नामेंट की, उन मेन फीचर्स को मीडिया को बताना। सो दिस इज़ द रोल ऑफ द प्रेस एंड मीडिया कमेटी। नेक्स्ट है भाई सर्टिफिकेट राइटिंग कमेटी। जैसा इसके नाम से मालूम चल रहा है, जो सर्टिफिकेट राइटिंग कमेटी है, बिकॉज जितने भी प्लेयर्स हैं एज पर देयर पोजीशन, कौन सी पोजीशन उनको टूर्नामेंट में मिली, कौन रनर्स अप रहा, कौन विनर्स अप रहा, तो एज पर देयर पोजीशन ऑल द टीम्स एथलीट्स विल गेट द सर्टिफिकेट। इवन एक होता है पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट्स, वो तो सभी को देना होगा अगर वो हार भी गए तो भी। सो ये जो कमेटी है इतने सारे सर्टिफिकेट्स प्रिपेयर करती है, तो ये मेक श्योर करती है कि जो एथलीट है उनका नाम, एज एंड वट एवर द इंफॉर्मेशन टू बी फिल्ड इन दैट सर्टिफिकेट्स, वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन फिल करें। साथ ही साथ जो सर्टिफिकेट्स, बिकॉज सर्टिफिकेट्स दे आर नॉट मेकिंग देयर ऑन, ऐसा नहीं कि वो खुद छाप रहे हैं, दे हैव टू टेक दीज सर्टिफिकेट्स फ्रॉम द हेडक्वार्टर्स वट एवर द फेडरेशन, वहाँ से लेते हैं सर्टिफिकेट्स। सो ऑन कम्प्लीशन ऑफ द टूर्नामेंट्स अगर कोई सर्टिफिकेट बच जाते हैं तो दे हैव टू लाइक रिटर्न दी सर्टिफिकेट्स टू द कंसर्निंग अथॉरिटीज। सो ये है इसका सर्टिफिकेट राइटिंग कमेटी का ओके रोल। नेक्स्ट है मेडिकल कमेटी। देखिए मेडिकल कमेटी का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, इतने एथलीट्स इतने स्पोर्ट्स पर्सन खेलने के लिए आ रहे हैं, तो जाहिर से कई बार प्लेयर्स को इंजरीज हो जाती है, माइनर इंजरी भी हो जाती है, मेजर इंजरीज भी हो जाती है। सो देयर शुड बी ए मेडिकल टीम प्रेजेंट देयर ऑल द टाइम्स, इवन ऑफ टाइम में भी मेडिकल टीम को प्रेजेंट होना है, कई बार कोई प्लेयर सिक हो जाता है वट एवर द रीजन। सो मेडिकल टीम्स टू बी स्टैंड बाई विद लाइक मिनिमम जो एक किट है उनका, एंड लाइक फर्स्ट एड एंड ऑल दैट, बिकॉज फर्स्ट एड टू बी प्रोवाइडेड ऑन द स्पॉट when the injuries happen at the same times. Later the athletes or the sports person or the patients can be transferred to the hospitals. So things to be managed in a proper way, a proper vehicle standby हो, ambulance and whatever, कि कोई भाई injury हो जाए so athletes को या patients को उस vehicle के through लेके जाता है ऐसे right place पे, तो और everything is to be tied up. So medical committee का बहुत बड़ा role है, it's like comes in the norms regulation में also. Even if he doesn't have the proper medical committee, tournaments are not authorized to carry out, tournament करा भी नहीं सकते। So medical committee का related काम है कि medical issues या कोई injuries हैं इन सबको देखना। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन कमेटी। देखिए ट्रांसपोर्टेशन का कमेटी है कि जब टीमें आ रही होती हैं तो उनको कई बार ऐसा होता है कि दे आर कमिंग फ्रॉम द ट्रेन और दे आर कमिंग फ्रॉम द बसेस। सो बसेस जहां पे वो टूर्नामेंट हो रहा है वहां तक नहीं आती हैं। सो जो ट्रांसपोर्ट कमेटी है, दैट कमेटी हैज़ टू लाइज विद द टीम्स, जो टीम हेड होते हैं उनसे लाइज करके उन टीमों को सेफली कैंपस में या टूर्नामेंट वाली प्लेस पे लेके आती है। और कई बार ड्यूरिंग द टूर्नामेंट ऐसा भी होता है कि जहाँ पे टूर्नामेंट हो रहा है वहाँ पे इनफ ग्राउंड्स नहीं हैं, जैसे हम वॉलीबॉल की बात करें, अब 100 टीमें आ गई तो हो सकता है कि 2 या 3 ग्राउंड की हमें ज़रूरत पड़ेगी, एक साथ 2 से 3 मैचेज हो रहे हों। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि 2 या 3 ग्राउंड नहीं होते हैं कैंपस में, तो किसी नियर बाई स्कूल्स की या किसी कॉलेजेस की या हेल्प ली जाती है, उनके पास कोई नियर बाई कोई ऐसा स्कूल या कॉलेज हो जिनके पास अच्छा ग्राउंड हो, तो इन दैट केस टीमों को उस ग्राउंड तक ले जाना, वहाँ से वापस लाना, एंड साथ ही साथ ऑन कम्प्लीशन ऑफ द टूर्नामेंट टीमों को वापस से लाइक डिपार्चर के टाइम
उनको ट्रांसपोर्टेशन देना अप टू द रिक्वायर्ड प्लेस अप टू द रिक्वायर्ड पॉइंट. सो दैट इज़ द जॉब ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन कमेटी एंड ऑल द लाइक ट्रांसपोर्टिंग शुड बी डन बाई सेफली. नेक्स्ट है अनाउंसमेंट कमेटी. अनाउंसमेंट कमेटी का काम है अनाउंस करना. जब मैचेस चल रहे होते हैं तब भी अनाउंसमेंट की ज़रूरत पड़ती है. साथ ही साथ कई बार टीमों को कॉल करना पड़ता है कि नेक्स्ट मैच इज लाइक हेल्ड बिटवीन दिस एंड दिस टीम. तो दोनों टीमों को थ्रू द अनाउंसमेंट दे आर लाइक गिविंग इन्फॉर्मेशन कि आपका मैच होने वाला है, यू प्लीज़ कम. कई बार कुछ प्लेयर जब उनका गेम होने वाला होता है तो दे आर लाइक कहीं और मिसिंग व्हाट वी कैन से थोड़ा इधर उधर चले जाते हैं, तो दे आर कीप अनाउंसिंग द थिंग्स. या कोई और इम्पोर्टेंट चीज़ बीच में आ गई तो उसको दे आर कीप अनाउंसिंग द थिंग्स. सो अनाउंसमेंट शुड बी इन द प्रॉपर वे एंड प्रॉपर मैनर. ऐसा नहीं कि कोई भी आगे कुछ भी बोल दो. सो दिस इज द जॉब ऑफ दिस अनाउंसमेंट कमेटी कि दे हैव टू टेक चार्ज ऑन द अनाउंसमेंट थिंग्स. फाइनली हमारी है रिकॉर्डर्स एंड बुलेटिन बोर्ड कमेटी. जैसा इसका नाम बता रहा है कि ये जो कमेटी है प्री वर्क तो ये है कि दिस विल अरेंज द इक्विपमेंट्स ड्यूरिंग टूर्नामेंट. इसका काम क्या है कि जो भी टीम के रिजल्ट्स हैं मैचेसों के रिजल्ट्स हैं उन मैचेस को बुलेटिन बोर्ड पे डिस्प्ले करना कि दिस इज़ द रिजल्ट सो दैट पीपल कैन गो एंड दे कैन रीड दे कैन हैव ए लुक दे कैन नो कि व्हाट हैज़ हैपेंड व्हाट वाज़ द रिजल्ट अबाउट. ठीक है, तो ये सब काम है रिकॉर्डर्स एंड बुलेटिन बोर्ड कमेटी का कि जो भी उनका बुलेटिन बोर्ड है उसको पूरी तरह से मेंटेन करेंगे. जो भी टीम रिजल्ट्स हैं वो सब दैट ऑल विल बी डिस्प्ले ऑन द बुलेटिन बोर्ड. समटाइम्स दिस कमेटी ऑल्सो लाइक राइट अबाउट कि भाई टुमारो कौन सा जो फोरनॉन में ये मैचेज होने वाले हैं या आफ्टरनॉन में ये मैचेज होने हैं. तो दिस काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट ऑल्सो डिस्प्लेज ऑन द बुलेटिन बोर्ड समटाइम्स. सो आज हमने देखा कि देर आर लॉट ऑफ कमिटीज़. मैं थोड़ा सा बहुत क्विकली लिया सारी कमिटीज़ को बिकॉज अदरवाइज देर आर लॉट ऑफ कमिटीज़. अगर मैं इनको बहुत धीरे धीरे हम डिस्कस करते तो वीडियो इज़ लाइक बिकम वेरी लेंथी या फिर हमें इसके दो पार्ट करने होते. बट एनी वे वैन यू विल कम टू फिजिकली टू द स्कूल्स वी विल डिस्कस वंस अगेन अबाउट ऑल द दीज कमिटीज़. बट जस्ट बिफोर टू फिनिश आई विल से कि देखिए बहुत सारी कमिटीज़ होती हैं किसी भी चीज़ को करने के लिए. हमें इतना बड़ा इवेंट है जैसे हम वैसे भी हम देखते हैं अपनी लाइफ में हम घर पे ही हमारे पेरेंट्स कोई बहुत बड़ा इवेंट जब ऑर्गेनाइज करते हैं स्पेशली कोई मैरिज फंक्शन हम ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसमें भी हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं. उनमें भी जो वर्क है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है जस्ट टू मेक द सक्सेस ऑफ द इवेंट. अगर हम प्रॉपर प्लान करते हैं देखिए प्लानिंग का बहुत बड़ा रोल है लाइफ में. इफ़ यू डू द थिंग्स विदाउट प्लानिंग डेफिनेटली उसमें मिस्टेक्स आएंगी, रिसोर्सेज ज़्यादा लगेगा, पैसा ज़्यादा लगेगा एंड कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें भी हैपन हो जाएंगी बिकॉज वी आर नॉट प्लान फॉर दैट. बट इफ़ यू आर प्लानिंग हम प्रॉपर प्लानिंग कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट हमें प्रॉपर मिलेगा, फाइनेंस कम लगेगा, रिसोर्सेज को वी कैन यूज वेरी वेल, जो हमारी चीज़ें वेस्ट नहीं होंगी और वी कैन कोऑर्डिनेट वेल विद द कमिटीज़ से आउटपुट अच्छा लगेगा, वी कैन इन्फॉर्म द कंसर्निंग पीपल्स. सो इतना सारा फ़ायदा है प्लानिंग से. प्लानिंग के बिना लाइफ चलती ही नहीं है. हम प्लान करते हैं कई बार हम मार्केट में जाते हैं देन वी आर ऑल्सो प्लानिंग कि हमें क्या लाना है क्या नहीं लाना है. एंड डेफिनेटली अगर हम कहीं दूर जा रहे हैं लाइक लॉन्ग जर्नी पे जा रहे हैं तो वी हैव टू प्लान वेल कि दीज थिंग्स टू बी इन आवर बैग. ये हमारे पास बैग में ये होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन साइड से होना चाहिए, क्लोथिंग साइड से होना चाहिए, दिस इज लाइक मेडिसिन साइड से होना है. तो वी प्लान एवरीथिंग. इफ यू डजंट प्लान वी वॉन्ट गेट द लाइक गुड रिजल्ट. सो द प्लानिंग इज प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अवर लाइफ. एंड आई विल सजेस्ट यू ऑल्सो प्लान कि भाई आप 12th क्लास में हैं तो वट यू प्लान कि भाई आपको इतना परसेंटेज मार्क्स लाना है. सो इफ़ यू आर प्लानिंग वेल देन यू हैव टू अचीव योर हाइएस्ट एम. यू विल सेट द ऑब्जेक्टिव ऑल्सो कि इतने घंटे मुझे मैथ पढ़ना है, फिजिक्स केमिस्ट्री वट एवर पढ़नी है, या मुझे हाउ टू आई जस्ट हिट माई प्लान्स. सो यहाँ पे जितनी भी पार्टीज़ थी ये जब प्लानिंग का एक हिस्सा थी कि बहुत सारी पार्टीज़ को बनाया गया है. पार्टीज़ हैव देयर सॉरी कमिटीज़ हैव देयर ऑन रोल्स सो दैट बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल कि एक या दो या पांच आदमी सब कामों में करें तो कोई भी काम पूरा नहीं होता. फॉर एक स्पेसिफिक टास्क के लिए स्पेसिफिक पार्टी बना दी दैट पार्टी विल डील विद दोज वर्क्स ओनली. सो डियर स्टूडेंट्स दैट्स ऑल इन टुडेज क्लास. यू इन द नेक्स्ट क्लास. हैव अ ग्रेट डे. बाय बाय.